17 अप्रैल दिन बुधवार, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का बिजबेहरा इलाका, शाम का वक्त था। संदिग्ध आतंकियों ने अचानक गैर स्थानीय लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी, कई लोग घायल हुए। बिहार के रहने वाले राजा शाह भी इस हमले में घायल हो गए। राजा शाह को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इसी हमले में राजा शाह के पिता शंकर शाह की गर्दन और पेट में भी 2 गोलियां लगी हैं, उन्हें भी नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस कह रही है कि आतंकी फायरिंग करने के बाद मौके से भाग निकले, लेकिन पुलिस टीम बिजबेहरा और उसके आसपास के इलाकों में आतंकियों की तलाश कर रही है। इस हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि 19 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में लोकसभा के पहले चरण के चुनाव होने हैं, ऐसे में मतदान से ठीक पहले ये हमला सिक्योरिटी फोर्सेस की टेंशन बढ़ाने वाला है। इस तनाव के बीच बेटे की मौत की खबर बिहार पहुंची। राजा शाह की मां ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मेरा साथ 10 साल हुआ ना, तो पहले फिर आता रहा जाता रहा, फिर आता रहा जाता रहा, समझे ना, तो हो गया काम। तो फिर बोला 30 तारीख हम घर आएगी, हाँ तो 30 तारीख घर के बीच में बिचान खत्म हो गया। 30 तारीख का घर आने वाला है, कागज पत्र सब घर द्वार सब उठाता है। कैसे हुआ मतलब, अब मतलब हम नहीं जानता है बेटा कैसे मतलब नहीं, उनको फोन आया तब मालूम होता है, हम लोग जानता नहीं बेटा। फोन करा था कनीनी, फोन करा था बेटा, होकर छोटका बेटा है ना बड़का, वे करा था समझा कि पापा दे अथी हो गया, गोली मार दिया पापा को, वे कर दिया। रात में फोन करा था, अभी नहीं गया है, गया है उसको मौसा है ना, वे मौसे गया है, मौसे गया है। आप लोग क्या चाहते हैं? आप बतलाइए सर, क्या बोले कि हम क्या करेंगे, एक बेटा है क्या करेंगे, कोई पीठ पर कोई नहीं है हमारा, अकेले था वो, अकेले है। आतंकी हमले पर तेजस्वी यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन को देखना चाहिए कि प्रवासी मजदूरों पर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। नहीं, ये दुखद बात है, ये हुई है, उसमें प्रशासन को देखना है कि भाई ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। प्रवासी जो मजदूर है उनके लिए भी जो है आर्थिक सहयोग जो है लोगों को करना चाहिए। आपको बता दें, ये पहली घटना नहीं है जब आतंकियों ने गैर स्थानीय लोगों को निशाना बनाया है। इससे पहले 8 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के दक्षिणी शोपिया जिले में आतंकियों ने परमजीत नाम के एक कैब ड्राइवर को गोली मार दी थी। खबरों के मुताबिक पीड़ित परमजीत दिल्ली के रहने वाले थे, उनके बाएं हाथ में गोली लगी थी, लेकिन उनकी हालत स्थिर बताई गई। बाकी इस मामले पर जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक लाते रहेंगे। आप देखते रहिए दिल्ली लंटॉप। शुक्रिया।